हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतिशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर, आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा आप जानते हैं कि हम ये कवर नहीं कर पाए थे आपके एनडीए के एग्जाम से पहले, तो आज ये कुछ है उसी से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी का टॉपिक 2021 के टारगेट को देखते हुए। देखिए भाई, एक चीज समझ लीजिए, जिसने पेपर दे दिया है बहुत अच्छी बात है, और उसको ये अंदाजा हो गया होगा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं है, और हर टॉपिक आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, उसे आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि जब कभी भी आप तैयारी करिए, मन लगा कर करिए। हमने एक रिव्यू दिया था आपको, जो एनडीए का एग्जाम हुआ था 6 सितंबर को, उसमें हमने ये देखा था कि जो मेरे पास बुकलेट आई थी एक स्टूडेंट की, उसने 70+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बट मुझे लगा कि 70+ में वो बहुत अच्छा जा रहा है। बट यहां से दिक्कत क्या हुई कि जब मैंने उसके रिव्यू किया और देखा तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस उसके क्या थे, रॉन्ग थे। देखिए ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपको गाइडेंस की कमी हो जाती है। यहीं पर हम आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि सिंसियरली उसको समझकर पढ़ाई करना है। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि जब कभी भी पढ़ाई में उतरिए तो पूरी तरीके से आप उतरिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती है, पर यहां पर आपको सिस्टमैटिक सवाल करने हैं। पहली चीज आपकी होनी चाहिए दिमाग में एक्यूरेसी, दूसरी स्पीड। एक्यूरेसी जब बनेगी तो स्पीड अपने आप बन जाएगी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आए थे, तो हम क्या करते हैं आज के सेशन में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट है, देखिए अब हम उन चैप्टर्स को पहले छुएंगे जिनको हम अनछुआ कर दिया था, और फिर उसके बाद हम एनालिसिस के थ्रू हम पूरे सवालों को लेकर चलेंगे। तो ये आ जाए इसका पहला पार्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और टाइप्स बताऊंगा मैं। देखिए यहां पर आपको देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, पहले सुन लीजिए आपके जो क्वेश्चन आते हैं कहां कहां से, कॉइंस से, डाइस से, कार्ड से, मार्बल से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है ये चीज मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। तो यहां पर आज जो हम डिस्कस करेंगे, दो पार्ट डिस्कस करेंगे इसके, यानी कॉइन्स और डाइस को, नेक्स्ट में कार्ड्स और बॉल्स और मार्बल्स जो भी है, ठीक। तो पहले आपको समझा देता हूं प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी कॉइन्स पे आने से पहले, जैसे आप देख सकते हैं यहां कॉइन्स लिखा है, पहले आपको प्रोबेबिलिटी समझा देता हूं। प्रोबेबिलिटी कहां यूज होती है, गैम्बलिंग में यूज होती है, ओके। प्रोबेबिलिटी गैम्बलिंग में यूज होती है, अभी मैं जनरल टर्म यूज करूंगा। गैम्बलिंग जैसे अब आईपीएल आने वाला, ये सभी को पता है। आईपीएल में क्या होगा, खूब गैम्बलिंग होगी, और गैम्बलिंग क्या होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एग्जैक्ट आउटकम यहां से बता पाना आपके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हां वो बात अलग है कि लग जाए आपका तुक्का। तो यहां पे हो क्या रहा है, जैसे अगर मैं देखूं एक जनरलाइज्ड टर्म लू, गैम्बलिंग में आप यूज करते हैं क्या, बोलते हैं 4 का 7, 4 का 7, 4 का 7, ओके। इसका मतलब है 7 का 4 या जो भी बोल दीजिए, इसका मतलब है टोटल 7 आउटकम्स थे। टोटल आउटकम पर वो क्या करता है, फेवरेबल आउटकम को निकाल लेता है, फेवरेबल आउटकम। अब ये क्या है, टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल का मतलब है विन की बात हो रही है या लूज की बात हो रही है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं 7 में से 4 पॉसिबिलिटी है, यानी ओवरऑल 7 पॉसिबिलिटी थी कि रिजल्ट हमारे हर तरीके के आ सकते हैं, और 4 पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और 3 पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यानी पॉजिटिव को हम बोलेंगे विन और नेगेटिव को बोलेंगे लूज। तो हम यहां पे अब देखिए इसी का एप्लीकेशन हम यूज करेंगे किसमें, एक जनरलाइज फॉर्मूले में। जनरलाइज फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस, ओके, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। अब सैंपल पॉइंट क्या है, मैंने आपको जैसा बोला कि ऑल द फेवरेबल आउटकम्स, ऑल फेवरेबल आउटकम्स, और सैंपल पॉइंट क्या है, मोस्ट फेवरेबल, मतलब सैंपल पॉइंट होगा आपका इवेंट अकर्ड होगा किसी पे, यानी फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। यहां पर जो इवेंट होगा जिसकी बात की जाएगी, जैसे अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉइन्स लिखा हुआ है, तो चलिए देखिए यहां पे अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो यहां पर आप देख सकते हो दो पहलू होते हैं, दो फेस होते हैं उसके, एक टेल होता है और एक हेड होता है, यानी टोटल 2 फेस आ सकते हैं, आइदर टेल विल कम और हेड विल कम,
तो दो पॉसिबल केसेस में से अगर आप टेल की बात करें तो भी एक केस आने की प्रोबेबिलिटी हेड की बात करें तो भी 1/2 प्रोबेबिलिटी बनेगी, यानी 2 में से 1 आने की प्रोबेबिलिटी आइदर वी आर गेटिंग हेड और वी आर गेटिंग टेल। तो ये किसकी बात हुई? एक कॉइन की बात हुई, वन कॉइन। अगर यहां पे हम टू कॉइन्स को टॉस कराएं तो अब देखो इस पे हेड टेल बनेगा और इस पे भी क्या है आपका हेड टेल बनेगा, यानी यहां से कितनी पॉसिबिलिटी निकली? चार। कैसे? देखो या तो दोनों पर हेड आएगा या तो दोनों पे टेल आएगा, या तो पहले पे हेड है दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। कितने केसेस बने? चार केसेस। यानी इसका मतलब है अगर हम यहां पर दो फेस वाला हम कॉइन टॉस करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके जो मोस्ट ऑल द फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे? 2^n पे, वेयर एन इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक, एन जो होगा नंबर ऑफ कॉइन्स होगा। तो मैं यहां पर अगर बोलूं कि ओनली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वन हेड में या तो फर्स्ट प्लेस पे हेड आएगा या सेकेंड प्लेस पे हेड आएगा, तो 1/ क्या हो जाएगा? 1+1/ कितना? 4, यानी 2/4 यानी कितना? 1/2। ठीक है, अगर मैं बात करता कि एटलीस्ट वन हेड आने की, तो एटलीस्ट वन का मतलब समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं आपकी जेब में एटलीस्ट 10 रुपए हैं, इसका मतलब है 10 रुपए तो होंगे पर 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी इस साइड का एरिया आपका हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि आपके कितने केस बने? ये वाला केस भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका दो कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी। अगर यहां पे हम तीन कॉइन्स की बात करेंगे तो तीन कॉइन्स में आपका क्या होगा भाई? यहां पे समझिए, तीन कॉइन्स में आपके क्या होंगे? 2^3, यानी कितना? 2^3 कितना होता है? 8। ओके, यानी सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या निकलेंगे? 8। देखो आप मैन्युअली ड्रॉ भी कर सकते हो सकता है पहले पे हेड हो बाकी दोनों पे क्या हो? टेल। हो सकता है दूसरे पे हेड हो बाकी दोनों पे क्या हो? टेल। हो सकता है तीसरे पे हेड हो बाकी दोनों पे क्या हो? टेल। हो सकता है पहले दो पे हेड हो लास्ट में टेल, फिर सेकंड और थर्ड पे हेड हो फिर टेल, और हो सकता है फर्स्ट और थर्ड पे टेल हेड हो बाकी बीच वाले पे क्या हो? टेल। अब दो पॉसिबल केसेस बच गए आपके, कौन से? या तो तीनों पे हेड आएगा या तीनों पे क्या आएगा? टेल आएगा। तो दो और तीन तीन छह, कुल मिला के 8 पॉसिबल केसेस बने। अब सवाल यहां पे बन सकता है आपका कई तरीके से, कि आपसे पूछ सकता था कि बताओ कि एटलीस्ट वन हेड आने की संभावना, तो एटलीस्ट वन क्या होता है? या तो फर्स्ट पे हेड हो या तो सेकंड पे हेड हो या तीनों पे हेड हो। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एक ही पोजीशन रह गई जहां पे तीनों पे टेल होगा, तो हम बोल सकते हैं कि 7/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ओके, अब यहां पे बोल सकता था कि ओनली टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या टू टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बात क्या करोगे? ओनली टू का मतलब है सिर्फ दो होने चाहिए। तो अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास तीन पोजीशन है ए बी सी, तो आइदर ए बी विल कम और बी सी विल कम और सी ए विल कम, तो यहां पे तीन पॉसिबिलिटी बनी आउट ऑफ 8 में से। तो ये आपके पूरा कॉइन का क्या है? डिजाइन है। ध्यान रखिएगा ये बात हो रही है अनबायस्ड कॉइन की, अनबायस्ड कॉइन की बात हो रही है, जहां बायस्ड कॉइन के बारे में कहा जाएगा वहां पे सवाल कुछ और तरीके से बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं किस तरीके से सवाल होंगे। आज के सेशन में आपके कुछ बेसिक से हाई लेवल के सवाल हैं। अगला सवाल देखिए यहां पे, इन टॉसिंग 3 कॉइन्स एट अ टाइम, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। अच्छा एक बात समझो, तीन कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, तीन कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, यहां पे ध्यान से समझिए, तीन कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, तो एक कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे की 1/2, तीसरे की 1/2। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। अच्छा एट मोस्ट वन हेड का मतलब समझ रहे हो? या तो भाई देखो तीन कॉइन टॉस किए गए तो ये क्या हो गया? टोटल 8 हो गई पॉसिबिलिटी, है ना, 2^3 क्या हो गया? 3, है ना। अच्छा अब वो कह रहा है कि एट मोस्ट वन हेड, यानी भाई हो क्या सकता है? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक पे ही हेड आए, तो एक पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है?
या तो भाई हो सकता है फर्स्ट पे आए हेड, या तो सेकंड पे आए हेड, या तो थर्ड पे आए, या कहो हेड ही ना आए। और ध्यान से समझो, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, और यहां भी हो सकता है कि जीरो, तो जीरो की एक ही पॉसिबिलिटी है कि तीनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। ठीक है, तीनों पे टेल आ जाए, तो तीनों पे टेल आपने लिया और ये तीन प्लेसेस ले लिए, तो कुल कितने हो गए, चार आउट ऑफ आठ, कितना हुआ 1/2, खत्म कहानी। ये चार केस ऐसे होंगे जिसमें एट मोस्ट का केस बनेगा। ओके, एक बात और ध्यान में रखेंगे, ये मैं शायद आपको बताना भूल गया कि प्रोबेबिलिटी आपकी लाई करती है जीरो से वन के बीच में, ये बात ध्यान रखिएगा, जीरो से वन के बीच में लाई करती है। जीरो का मतलब यूनिवर्सल फॉल्स और वन का मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ। ऑलराइट, तो इस सवाल का आंसर आपका ये हो गया, यानी हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ नेवर अकरिंग शुड बी इक्वल्स टू वन, यानी किसी घटना के घटने की संभावना और किसी घटना के कभी नहीं घटने की संभावना एक के बराबर होती है। ऑलराइट, तो भाई अगर समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर करते जाइए, आगे क्वेश्चंस चेंज होने वाले हैं। ये क्या कह रहा है, ए एंड बी टॉस अ कॉइन अल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम टॉसेस हेड्स एंड विंस द गेम। अच्छा देखो, देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग आर, अब ये बताना है हमको। देखो यहां पे क्या कह रहा है, ए और बी आपका टॉस एक एक करके कॉइन को एक एक करके टॉस करते हैं, तो जिसका पहले हेड आया वो जीत गया। अब हम देखते हैं ए की प्रोबेबिलिटी विनिंग की, और सबसे पूछ रहा है सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ए की प्रोबेबिलिटी विनिंग की क्या होगी, चलो देखते हैं। तो देखो पहले में क्या होगा, या तो ए हेड ले आएगा तो बी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, बी को चेक ही नहीं करना है, या ए टेल लाया, बी टेल लाया, फिर ए हेड लाया। अभी बात यहां पे किसकी हो रही है, सिर्फ ए की विनिंग की। ओके भाई, यही तो हो सकता है, ए हेड लाएगा या ए टेल बी टेल और फिर ए हेड ले आएगा, यानी दूसरी बार में, फिर या हो सकता है ए टेल बी टेल, ए टेल बी टेल ए हेड, देखते जाओ। इसका मतलब है ए हेड लाए या टेल लाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, तो ये भी क्या होगी 1/2 1/2 1/2, तो ये वाली क्या हो जाएगी 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी 5, तो इसका मतलब ये नेक्स्ट होगा 2^7 एंड सो ऑन। देखते जाओ ये क्या बन रहा है आपका, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन याद करो, और इसमें जो आर होगा वो क्या होगा, 2 टू द पावर 2, क्योंकि सेकेंड और फर्स्ट का क्या होता है डिवीजन, तो वो आर होता है। अब आप इसका कैसे सम निकालोगे भाई, इनफाइनाइट सीरीज तक के जा रहा है ना, तो इनफाइनाइट तक के जब जाएगा तो हमें पता है a अपॉन 1 - r लगता है, a क्या है 1/2 1 - 1/4, यानी कितना हो जाएगा 1/2 3/4, यानी कितना हो गया 2/3, तो a की विनिंग की प्रोबेबिलिटी हुई 2/3। अच्छा अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें इसके आगे सॉल्व नहीं करना चाहिए अगर आप एग्जाम में बैठ के कर रहे हैं। देखिए डिफरेंस यहीं पे क्रिएट होता है आपका, कि आप एग्जाम में क्या सोच रहे हैं। अगर आप एग्जाम में सही तरीके से सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कभी कोई दिक्कत होगी आपके साथ। दिक्कत ये होती है कि आप एग्जाम में बिल्कुल स्कूल वाला मेथड अपनाने लगते हैं, स्कूल वाले मेथड को अपनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको यहां पे सिखा दिया है इस तरीके से आपको करना है, आपका दिमाग पहले ही बार में घूम जाना चाहिए था, ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल से ए की प्रोबेबिलिटी ये, अब इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना था, लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। चलो तो ऑप्शन सी मैच कर रहा था, लेकिन अगर बी की विनिंग की प्रोबेबिलिटी देखें, बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी, तो देखो बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी का मतलब ए टेल्स आएगा बी हेड आ जाएगा, या ए टेल्स बी टेल्स ए टेल्स बी हेड, देखते जाओ, या ए टेल्स बी टेल्स ए टेल्स बी टेल्स ए टेल्स बी हेड, देखते जाइए। तो हो क्या रहा है, देखो यहां पे 1/4 1/16, और ये कितना हो रहा है भाई, देखो 2 2 4 2 6, यानी हो गया 2^6 1/64, तो यहां पे क्या बन रहा है 1/4 2^1 1/4 2^2 1/4 2^3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो यहां पर जो आपका जीपी बनेगा वो क्या होगा, 1/4 / 1 - 1/4, यानी कितना हो जाएगा 1/3, यानी B की विनिंग की प्रोबेबिलिटी 1/3, A की विनिंग की प्रोबेबिलिटी 2/3,
इसमें लिखा हुआ है गलत तरीके से, इसे सही कर लीजिएगा, आंसर आपका सी ही होने वाला है। ऑलराइट, तो आई होप आप सभी को यह समझ में आया, अच्छा लगा। अगला सवाल, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ कंसिस्ट ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन एंड देन फ्लिपिंग इट अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार फ्लिप किया जाएगा कॉइन। देखो कुछ मजेदार सवाल है, इफ हेड अकर्स, अगर हेड आता है, भाई ध्यान से सुनो, एक एक्सपेरिमेंट होता है उसमें कॉइन को टॉस किया जाता है, ठीक है, और दूसरी बार टॉस तब किया जाता है जब हेड आ जाता है। अगर टेल आता है फर्स्ट फ्लिप में, इफ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट फ्लिप देन अ सिक्स फेस डाई इज टॉस वंस, यानी फिर एक लूडो को लुढ़काया जाता है। अब लूडो का फेस आप सभी को पता है 6 होता है। अज्यूमिंग दैट द आउटकम आर लाइकली इक्वली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। तो एक बार समझो भाई, पहले केस में क्या हो सकता है, या तो हेड हेड आ जाए या हेड टेल आ जाए। अगर पहले पे टेल आ गया, समझ रहे हो, पहले पे टेल आ गया आपका, ठीक है, मैं एक साथ लिख रहा हूं यहां पे, समझो, समझ लेना कि पहले पे टेल आ गया। अगर पहले पे टेल आ गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बाकी सारे बाकी एक लूडो रोल कराएंगे, और वो लूडो की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, वो टेल की प्रोबेबिलिटी के। तो T1, T2, T3, T4, T5, T6, तो 6 प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, इस टेल के अकरिंग के। तो भाई पेयरिंग कैसे बनी, पहले में हेड हेड हो सकता था, हेड टेल हो सकता था, और फिर टेल 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 हो सकता है। तो यहां पे कुल कितने फेस हो गए, 8। पर दिक्कत पता है क्या है, उसमें से हेड और टेल सिर्फ एक ही बार आ रहा है, जब पहली बार टेल आ सकता है। तो 1/8 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल आंसर, किसकी, एक बार हेड और एक बार टेल आने की, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इन अ रैंडम यूनिवर्सिटी अरेंज्ड ऑफ द लेटर फ्रॉम द वर्ड यूनिवर्सिटी, ओके, रैंडम वर्ड है यूनिवर्सिटी, क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू आईज डू नॉट कम टुगेदर। अच्छा देखो यहां पर क्या होता है कि हम जब परम्यूटेशन करते थे, यहां पे समझो कुल कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लेटर हैं, ठीक है, और इसमें आई है ऐसा जो रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करते थे, जब कभी भी नेवर अकर की जो है हम पॉसिबिलिटी निकालते थे, तो हम टोटल में से ऑलवेज अकर को घटा देते थे। तो हम यहां पे वही काम करेंगे, हमें नेवर अकर का इवेंट दिया गया है और हम उसे कंपेयर करेंगे टोटल इवेंट पर। तो टोटल इवेंट क्या हो जाएगा भाई, टोटल पॉसिबिलिटी फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। अब आपको पता है फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 होगा ये आपका सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल पॉइंट कैसे निकलेगा, सैंपल पॉइंट होगा टोटल आउटकम माइनस नेवर आउटकम। नेवर आउटकम का मतलब समझ रहे हो, कभी एक साथ, मतलब सॉरी ऑलवेज आउट, ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर का मतलब समझिए, 8 बचे, 8 के बाद बचने के बाद इसे 1 मान लिया गया है, तो ये कितना हो गया फैक्टोरियल 9, और यहां पे कोई रिपीट नहीं है, इसका मतलब है हमारा ये सैंपल पॉइंट बच गया। अब ये टू आई आइडेंटिकल है, तो जब इसे अरेंज करोगे तो ये आइडेंटिकल वैल्यू से एलिमिनेट भी हो जाएगा, यानी आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस, यानी फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2। अब ये होगा फैक्टोरियल सॉरी 1 माइनस फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2। अब इसे आप कैसे करोगे भाई, जरा गौर से देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस, अगर हम यहां से 9 10 कॉमन ले लें तो 9 9 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, तो ये कितना बचेगा 1 अपॉन 10 बाय 2, ये कितना हो गया 5, यानी 4/5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगा के करना है, बहुत ध्यान से समझिए। यहां पे मैंने आपको परम्यूटेशन भी बता दिया और आपको यहां पर प्रोबेबिलिटी भी बता दी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद ही प्रोबेबिलिटी हो जाता है, तो ये बात ध्यान में रखिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में अलजेब्रा के सेक्शन में, ठीक है। चलिए बात करते हैं डाइस की, जैसा आप देख सकते हैं कि डाइस इसका दूसरा टाइप है। देखिए यहां पर मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा, बस यहां पर अभी मैं टाइप वाइज आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो प्रोबेबिलिटी में। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है यहां पे, अभी यहां पर कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। इस पार्ट में मैं आपको कॉइंस और डाइस के कुछ अच्छे सवाल भी करा रहा हूं, ठीक है, तो बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक पूरा मास्टर वीडियो मैं बना दूंगा ताकि आपका प्रोबेबिलिटी का उससे बाहर कोई सवाल ना।
डाइस, डाइस क्या है भाई? लूडो, आप देख सकते हो लूडो के कितने फेस होते हैं? छह फेस होते हैं, छो फेस आने की प्रोबेबिलिटी है अगर आप एक बार डाइस को रोल करा दें। आइदर वन विल कम, टू विल कम, थ्री विल कम, फोर विल कम और फाइव विल कम और सिक्स विल कम, तो छो पार्ट आपके आ सकते हैं। तो अगर आप एक डाइस रोल करा रहे हो तो उसके छह फेस होने की वजह से छो पॉसिबिलिटी बन रही है, जिसको हम बोलेंगे ऑल द पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल द पॉसिबिलिटी। अब यहां पे एक कंडीशन लग सकती थी, कह देता कि ऑड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो ऑड कितने हैं? एक, तीन और पांच। या इवन आने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सॉरी अभी तो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, टू फोर और सिक्स। अब यहां पे जब कहता कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन सिर्फ तीन ही नंबर है टोटल छह में से, ऑड भी तीन नंबर है टोटल छह में से, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी होती वन बाय टू। पर यहां पर कंडीशन होती है अगर वो बोलता कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्राइम नंबर क्या है? दो, तीन और पांच। तो यहां पे भी क्या है? सेम होता, वन बाय टू। ऑलराइट, लेकिन अगर हम यहां पर एक डाइस नहीं दो डाइस रोल कराएं, तो एक डाइस की पॉसिबिलिटी छे और दूसरे की भी छे। अब बात यह है कि आप छे छे जोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप दो डाइस रोल कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि ऐसे सोचो भाई, इसका एक दो तीन चार पांच छ, इसका क्या होगा? एक दो तीन चार पांच छ। भाई एक एक की पेयरिंग बनेगी तो एक दो की भी बनेगी, एक तीन की भी बनेगी, एक चार की, एक पांच की, एक छ की। तो एक के साथ अगर छ बना तो भाई दो के साथ भी छ बनेगा, तीन के साथ भी छ बनेगा, चार के साथ भी छ बनेगा, पांच के साथ भी और छो के साथ छह बनेगा। छो नंबर छो के साथ आएंगे, इसका मतलब है कुल मिला के 36 पॉसिबल केसेस बनेंगे अगर आप दो डाइस रोल करा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बात क्या हो जाएगी, अब यहां पे समझिए। अगर आप एक डाइस रोल करा रहे हैं तो उसके छह फेस हुए, सिमिलरली 6 to the power n जनरलाइज टर्म बनेगा सैंपल स्पेस का। ठीक है, यानी अब n क्या है? नंबर ऑफ डाइस। लूडो, एक लूडो तो 6, दो लूडो 36, तीन लूडो 216। ठीक है, ये बात ध्यान से रखिए। ऑलराइट, चलो अब यहां पे देखो क्या कह रहा है। इफ फोर डाइस आर थ्रोन टुगेदर, चार डाइस एक साथ फेंकी जाती है, चार डाइस, एक डाइस में 6, दूसरे में 6, तीसरे में 6, चौथे में 6, देन द पॉसिबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग ऑन देम इज 25 है। ये क्या हो सकता है भाई? पॉसिबिलिटी कह रहा है कि जो इनका सम आना चाहिए वो 25 आना चाहिए। अब देखो बहुत ध्यान से, एक डाइस पे मैक्सिमम कितना नंबर जा सकता है? 6, मैक्सिमम नंबर यही होता ना, तो दूसरे पे भी 6 होगा, तीसरे पे भी 6 होगा, चौथे पे भी 6 होगा, इन चारों का सम मैक्सिमम हो सकता है तो क्या हो सकता है? 24। क्या कभी भी 25 हो सकता है? नहीं, तो इसमें पेन नहीं चलाना था। आंसर क्या है? जीरो। ओके, बहुत ही मजेदार सवाल था लेकिन लॉजिकल भी था। अगला, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, तीन बार वो टॉस की जाती है। इफ इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज सक्सेस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू सक्सेसेस। अच्छा एक बात बताओ, एक बात समझो, एक डाई टॉस की जाती है, ठीक है, सिंगल होगा तो उसे डाई बोलेंगे, दो होगा तो डाइस बोलेंगे। ओके, यहां पे समझिए, एक डाई टॉस की जाती है तीन बार, ठीक है, यानी एक बार 1/6, एक बार 1/6, एक बार 1/6, तीन बार हुई भाई, तीन बार अलग अलग टॉस की गई ना। इफ इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज सक्सेस, अगर इवन नंबर आएगा तो वो सक्सेस है, ठीक है, तीनों पे, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू सक्सेसेस, इसका मतलब समझो कम से कम दो सक्सेस होने चाहिए। अब दो सक्सेस में आप कैसे करोगे, यहां पे समझिए, दो सक्सेस का मतलब हुआ कि पहले पे सक्सेस हो या तो दूसरे पे सक्सेस हो, यानी अब देखो ए बी सी तीन प्लेसेस हैं, या तो ए बी पे सक्सेस हो या बी सी पे सक्सेस हो या ए सी पे सक्सेस हो। ठीक है, अब इवन नंबर कितने हैं भाई? तीन है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, तीन है, बहुत ध्यान से समझना। तो ए बी पे अगर इवन आ रहा है तो इस पर इवन नहीं आ रहा होगा, यही है ना, यानी ऑड आ रहा होगा, यही तो कह रहे हो ना भाई, पहले दो पे अगर इवन है तो तीसरे पे क्या होना चाहिए? ऑड।
यानी बाकी और या बाकी दो पे इवन हो, यानी हम बोल सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड और सेकंड एंड थर्ड और थर्ड एंड वन, ठीक यहां पे समझो। लेकिन यहां पे एटलीस्ट टू सक्सेस बोल रहा है, तो इसको मतलब तीनों पे भी सक्सेस होना चाहिए, ऑल थ्री भी होना चाहिए इवन। तो अब आप यहां पे कैसे कर सकते हो, अब जरा गौर से देखो, एक इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, तीन नंबर है इवन, ठीक है, एक डाइस पे इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6 यानी 1/2, ठीक। तो यहां पे समझो ऑड आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है 1/2, क्योंकि तीन ऑड होते हैं, तीन इवन होते हैं। तो हम बोल सकते हैं अगर फर्स्ट टू पे इवन आ रहा है तो 1/2, 1/2 और 1/2। अब ये तीसरा 1/2 कहां से आया, तीसरे वाले पे ऑड आएगा, तो भाई सेम यहां पे भी होगा, सेम यहां पे भी होगा, हम इसे बस तीन से गुणा कर देते हैं। और या ऑल थ्री पे इवन आए, यानी 3/6, 3/6, 3/6, यानी हम बोल सकते हैं 1/2 का क्यूब, यानी 3/8 और ये हो जाएगा 1/8 या 4/8 कहलाकर आंसर होगा 1/2। बात समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गजब का सवाल था ये। यहां पे समझने की जरूरत है कि इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 3/8, किसकी, ये पहले किन्हीं दो पर, यानी किन्हीं दो पर आने की प्रोबेबिलिटी, और एटलीस्ट का मतलब होता है तीनों पर आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम तक जाएगा, ठीक है। चलो, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, ठीक है भाई, यानी जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 6, ठीक है भाई। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपियर्ड एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार, तो देखो 6 आने की संभावना क्या है, 1/5, ठीक है, 5/1, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2/4, 4/2, ये दो जरूर आना चाहिए भाई, और 3/3, 3/3 एक ही बार होगा, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार जरूर है, तो कितने केसेस बने, 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 केसेस बने, और उसमें से जो 4 आ रहा है एटलीस्ट वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 2/5, दैट्स योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, डिड यू गेट दैट। चलो अगला, एन एयर गन कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 शॉट्स एट अ बलून एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बलून एट द फर्स्ट, पहले पे हिट करने का होगा 1/10, दूसरे पे होगा 1/5, तीसरे पे होगा 3/10 और चौथे पे होगा 2/5, ठीक है भाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बलून इज हिट, ओके, यहां पर आप कैसे करोगे इस सवाल को, बहुत ध्यान से समझिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बलून एट फर्स्ट, तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्या कर रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं एक तरीके का, मैं चाहता हूं कि इसमें आप अपना दिमाग लगाएं और मुझे कर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। देखिए मैंने इतना इसलिए लिखा क्योंकि फ्रैक्शन में दिखाना चाह रहा था मैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ये मुझे लगा, पहले मैंने सोचा कि मैं करा दूं, लेकिन फिर बाद में ध्यान आया कि क्यों ना आपको होमवर्क दे दिया जाए, ताकि आपका इंटरेस्ट जो जनरेट हो वो साफ साफ पता चले, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल बहुत ही आसान है, देखिए, इन अ कॉलेज 25% बॉयज और 10% गर्ल्स ऑफर मैथमेटिक्स, सपोज कर लो 100% है, द गर्ल्स कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा गर्ल है 60, बॉयज है 40, चलो ठीक है, बॉयज गर्ल्स, क्या कह रहा है कि 25% बॉयज जो हैं वो मैथ्स लेते हैं, तो 25% 10 और 10% गर्ल्स मैथ्स लेती हैं, यानी कितना, 6, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी स्टडिंग मैथमेटिक्स द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज गर्ल, पहली चीज समझिए, कुल मैथमेटिक्स के कितने हैं, 16, और इवेंट है कि वो जो स्टूडेंट पकड़ में आएगा वो होगी गर्ल, तो गर्ल कितनी मैथमेटिक्स की है, 6, मैथमेटिक्स का ही तो खेल चल रहा है, 6/16, 16 में से 6 पॉसिबिलिटी है, यानी 3/8, 3/8 विल बी द करेक्ट आंसर। भाई देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, देन पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर
बट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी हमें यह बताना है कि ए के अकरेंस होने की यानी ए के घटना घटने की संभावना क्या है, जबकि बी ऑलरेडी घटित हो चुका है. सिमिलरली बी अपॉन ए होगा तो बी के घटना घटने की संभावना क्या है, ठीक है, प्रायिकता क्या है, जबकि ए आपका क्या है, ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है. अब ये फॉर्मूला है आपको और इसको लगाना कैसे है ये चीज मैं आपको बता देता हूं. ठीक है, सपोज करिए तीन पॉइंट्स है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं. तीन पॉइंट्स हैं जो आपके क्या किए जा रहे हैं, टॉस किए जा रहे हैं. अगर आपने तीन पॉइंट्स टॉस किए तो आपकी जो मैनुअल पॉसिबल केसेस हैं वो क्या बनेंगे भाई, या तो हेड टेल, टेल बनेगा, हेड हेड टेल बनेगा, हेड टेल हेड बनेगा, हेड 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 बनेगा. तो हेड की सारी प्रोबेबिलिटी हो गई, क्या हो गई, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट और फर्स्ट थर्ड, और अब हम करते हैं हेड, सॉरी जस्ट अ मिनट, यानी हम पूरी इसकी जो है पॉसिबिलिटी बना लेते हैं तो आसानी होगी हमें. ओके सीक्वेंस से बनाइए तो ज्यादा अच्छा होगा, फर्स्ट सेकंड और फिर थर्ड, उसके बाद फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और थर्ड और फर्स्ट. तो थर्ड और फर्स्ट हो चुका है, अब हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड की. ठीक है, सिमिलरली टेल में आपका क्या हो गया है, टेल में आपका हो गया फर्स्ट, अब हम बात करेंगे सेकंड की. सेकंड हो चुका है, थर्ड भी हो गया है, तो अब यहां पे बात होगी टेल टेल हेड की. ओके और टेल हेड टेल की, और एक और बचा टेल टेल टेल, तो कितने हो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ कुल केसेस बने. अब सपोज करते हैं कि ए के अकर होने की संभावना क्या है, यानी ए के घटना घटने की संभावना, ए इवेंट है एक. ओके वो इवेंट ये होगा कि एट लीस्ट टू हेड आए. ओके और बी एक इवेंट क्या होगा, बी इवेंट होगा कि लास्ट प्लेस पर टेल आए. ओके तो अब यहां पे समझो, अगर आप जरा गौर से देखें तो एटलीस्ट टू हेड का मतलब क्या है भाई, तीन प्लेसेस हैं आपके पास, फर्स्ट पे आ सकता है, सेकंड पे, फर्स्ट सेकंड पे आ सकता है, या सेकंड थर्ड पे आ सकता है, या फर्स्ट थर्ड पे आ सकता है. तो ये तो हो गया ओनली टू पॉसिबल केसेस, बट एटलीस्ट में क्या होगा, दो से शुरुआत होगी, तीन तक जाएगा, ए नहीं होगा, जीरो नहीं होगा. ठीक है, यानी दो से स्टार्ट होगा, कम से कम दो हेड आने चाहिए, तीन भी आ सकता है. तो एक और पॉसिबल केस बनेगा जहां पे तीनों पे क्या हो, हेड हो. तो एक दो तीन चार, चार केसेस बने आपके इसके. ठीक, अब यहां पे लास्ट प्लेस पे हेड आने, लास्ट प्लेस पे टेल कौन आ रहा है भाई, जरा गौर से देखो भाई, पहले पे टेल आए ना, लास्ट प्लेस पे टेल जरूर आए. तो एक दो तीन चार, यहां पे भी क्या है, चार पॉसिबल केसेस. अब यहां पर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम पी ऑफ ए अपॉन बी लगाएं तो क्या होगी भाई, आपकी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय, अब देखो जो डिनोमिनेटर में है वही डिनोमिनेटर में आएगा, पी ऑफ बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ बी इवेंट. अब यहां पे देखो एक बार बताओ, अगर चार और इसमें हम यहां पे कंडीशन लें भाई, हम यहां पे कंडीशन क्या लेंगे, एटलीस्ट दो हेड आने चाहिए और टेल आना चाहिए लास्ट प्लेस पे. तो भाई एक ही जगह है जहां पे दो हेड भी आ रहे हैं और टेल आ रहा है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इसलिए हम जो मोस्ट कॉमन पार्ट है उसको सपोज करेंगे. तो सिर्फ एक इवेंट ऐसा है जो अकर करेगा पी इंटरसेक्शन बी में, और किसके ऊपर, चार के ऊपर. क्यों, क्योंकि हमेशा जो डिनोमिनेटर में होता है वो बी वाला होगा, अगर ए बाय बी है, बी बाय ए हुआ तो ए वाला अकर करेगा. ठीक है, तो यहां पर आंसर जो आपका आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ, यानी पी बी, पी ए अपॉन बी वुड बी इक्वल टू वन बाय फोर. ठीक है, ये हमारा सवाल है जिसे हमने आपको करके दिखा दिया. ऑल राइट, चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ. हमारा अब एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है, क्या कह रहा है, एक फेयर कॉइन है जिसे टॉस किया जाता है रिपीटेडली, ओके कई बार. The probability of getting the result in the fifth toss, यानी पांचवे टॉस में रिजल्ट मिलना है. अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमको नहीं पता. तो भाई देखो सिंपल वे में करेंगे, फ्रॉम दोज ऑब्टेन इन द फर्स्ट फोर टॉसेस, यानी पहले चार से डिफरेंट होना चाहिए. तो अब यहां पे आप नहीं जानते हो एक कॉइन के कितने फेस होते हैं, दो फेस होते हैं, यानी अगर इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कोई भी एक रिजल्ट आने की वो क्या होगी, वन बाय टू. ये हम आपको पहले ही प्रोसेस बता चुके हैं भाई, टेल आए या हेड आए. तो हम बोलते हैं कि सपोज करो पहले चार पे टेल 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 आया तो लास्ट में क्या आएगा, हेड.
या पहले चार पे हेड 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 हेड, तो लास्ट में क्या आएगा? टेल। तो अब आप खुद सोचो इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है। 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। अब ये क्या हुआ भाई, 1/2 to the power 5, और मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि सेम प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, हेड के केस में भी। यानी आपका आंसर आएगा 1/2 to the power 4, यानी आपका फाइनल आंसर आएगा 1/16। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इज दैट क्लियर? आई होप आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, अगर आप देखें क्या कह रहा है, एक कॉइन जो है वो टॉस किया गया, ठीक। एक कॉइन, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है, एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस, दो बार टॉस किया। इफ द कॉइन शोज हेड, अगर कॉइन हेड शो करता है तब ट्वाइस होगा, ओके। बट इफ इट शोज टेल, अ डाई इज टॉस्ट। यानी अगर एक टेल आ गया पहली बार में, तो वो एक लूडो को फैलाएंगे। इफ 8 possible outcomes आर इक्वली लाइकली, 8 possible outcomes आएंगे आपके, तो आपको यहां पर बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, ओके। डाई जो शो करेगा नंबर वो ग्रेटर देन 4 होगा, ठीक। इफ इट इज नोन दैट द फर्स्ट थ्रो ऑफ द कॉइन रिजल्ट इन टेल, तो यहां पर आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहां पे समझो कैसे इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। सपोज कर लेते हैं ए जो है इवेंट है आपका, जहां डाई शो होती है, वो तब होगी जब आपका क्या होगा भाई, वो तब होगी जब आपका क्या, फर्स्ट पे टेल आ जाए, ऑल राइट। अगर हेड आता है तब फिर आप क्या करोगे, आगे चलते हैं। और बी इवेंट क्या है, बी बी द इवेंट द फर्स्ट थ्रो ऑफ द कॉइन रिजल्ट टेल। अच्छा हाँ, ये नहीं, आप समझिए डाई इवेंट होगी और बी इवेंट होगा कि यहां पर आपके फर्स्ट पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक। अच्छा चलो अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे जो सैंपल स्पेस होंगे वो क्या होंगे, सैंपल स्पेस देखो यहां पे सैंपल स्पेस होगा भाई, या तो आपका पहले पे हेड हेड आ सकता है टेल आ सकता है, फिर उसके बाद टेल 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 टेल, ठीक है, टेल और टेल, ठीक है। यानी कुल 8 इवेंट आपके बन रहे हैं, 6 और 2 मिला के 8 हो गए। अब यहां पे समझो ए के साथ अगर आप देखें, तो आपका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 4, तो भाई या तो T5 होगा या T6 होगा। क्यों? क्योंकि 4 के बाद कौन आता है, 5 और 6। इवेंट बी का अगर आप देखें, तो इवेंट बी में आपके क्या होंगे, अगर टेल आ गया भाई, क्या कह रहा है, बी बी द इवेंट दैट द फर्स्ट थ्रो ऑफ द कॉइन रिजल्ट इन टेल, यानी पहली थ्रो में अगर टेल आ गया, तो आपके T1 से लेके T6 तक के आपके इवेंट और बनेंगे भाई। हो सकता है ना भाई, पहले में ही अगर टेल आ गया सपोज करो, तो फिर आपके क्या होंगे, 6 इवेंट बनेंगे। क्यों? क्योंकि डाइस आ जाएगा। अब यहां पे हम आगे चलते हैं, यानी इसका मतलब है इससे आपका 6 निकला, इससे आपका 2 निकला। अब आपकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ए अपॉन बी है कि नहीं भाई। वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस शोज ग्रेटर देन 4, यानी ये हमें बताना है कि ग्रेटर देन 4 होगा डाइस वाला, यानी ए इवेंट की घटने की संभावना बतानी है, जबकि बी इवेंट ऑलरेडी घटित हो चुका है। ये क्या बोला, इफ इट इज नोन दैट द फर्स्ट थ्रो ऑफ द कॉइन रिजल्ट इन टेल, तो हमने टेल वाला जो केस था वो बना लिया है। अब ये क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरेंस, बस लगा दो। अब देखो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अब आप खुद सोचिए, यहां पे 2 है और यहां पे 6 है टोटल, तो यहां पर आपको किसको चूज करना है, 2 ही को तो चूज करना है, क्योंकि T5 T6 यहां भी है और T5 T6 यहां भी है, और इंटरसेक्शन में हमेशा हाईएस्ट पॉसिबल केस चूज किया जाता है, यानी 2/8, ठीक है भाई, 2/8 आपका बना। यानी टोटल 8 possible outcome में से आपके 2 ऐसे possible outcome होंगे जो दोनों ही इवेंट में क्या होंगे, कॉमन होंगे। अब बात आती है कि बी अकरेंस प्रोबेबिलिटी, तो बी भैया कितने इवेंट हो रहे हैं, 6, क्योंकि टेल आया तो 6 आएगा, 6 बार डाइस होगा, ठीक, 6/8, तो यह आपका आंसर देगा कितना भाई, 1/3।
तीन, फाइनल आंसर आपका 1/3 अकर होगा. डिड यू गेट दैट? भाई सिंपल सी बात है, पहले आपने माना ए इवेंट. ए इवेंट में भाई क्या है आपका कि डाइस आएगा, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी पूछ भी रहा है. तो ए बाय बी तभी होगा जब ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है. ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो ए इवेंट माना आपने डाइस का और आपने बी इवेंट माना आपने पहले पे टेल आने का. पहले पे टेल आएगा तो लूडो एक रोल करेगा, लूडो रोल करेगा तो आपके कितने केसेस बनेंगे, 6 पॉसिबल केसेस बनेंगे. ऑलराइट, आई होप आप सभी को यह समझ में आया होगा. अगला सवाल देखिए, बेस थ्योरम आपको जानना जरूरी है. बेस थ्योरम एक इंपॉर्टेंट है और यहां पर आपके एग्जाम के लिहाज से देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी. तो अब आप इसको करेंगे कैसे, यही चीज आपको सिखानी है यहां पर. चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेस थ्योरम. पहले आप पढ़िए यहां पे क्या कह रहा है. लेट ए, ए वन, ए टू, ए थ्री और ये सारी चीजें जो है आपकी क्या है, सर्टेन इवेंट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट के जरिए हो रही है. ठीक है भाई, आगे चलते हैं. अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर आपको क्या कह रहा है, देखो यहां पे कह रहा है कि विच आर एक्सक्लूसिव. लेट ए बी एन इवेंट विच अकर्स विथ ए वन, ऑल्सो विथ ए टू, ऑल्सो विथ ए थ्री एंड सो ऑन ए एन, देन बेस थ्योरम स्टेट्स दैट. अब यहां पे बेस थ्योरम क्या होगी, जिस इवेंट को आप अकर कर रहे हैं, बेस थ्योरम आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बिल्कुल उलट होती है. ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है. कैसे आप बताएंगे ये सारी चीजें अभी यहां पर डिस्कस करते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सपोज करते हैं एक बैग है, ठीक है, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी जान लीजिए. एक बैग है आपका, सपोज करिए, ठीक है, एक बैग है जिसमें आपका ए बैग है, ठीक है, जिसमें ब्लैक और व्हाइट बॉल्स हैं. सपोज कर लो ब्लैक 2 है, व्हाइट 3 है. सेकंड बैग है बी, उसमें ब्लैक और व्हाइट बॉल्स हैं 3 और 4. अब आप क्या करोगे भाई, जरा गौर से देखो. वो कह रहा है एक बैग चूज करिए और आप ये बताइए कि जो आप बॉल चूज कर रहे हैं उसमें से भाई आप क्या करोगे. एक बॉल चूज करोगे, उससे पहले आप क्या चूज करोगे, एक बैग चूज करोगे और आप ये बताओगे कि वो बॉल व्हाइट कलर की होनी चाहिए. तो आप यहां पे सोचो, या तो ये इवेंट होगा या तो ये इवेंट होगा. ओके, या तो ये इवेंट होगा या तो ये इवेंट होगा. अब आप करोगे क्या, सपोज करो आपका ये इवेंट हो रहा है, तो अब आप यहां पर सोचिए पहला काम क्या है, दोनों में से एक को बैग को चूज करना. तो अगर आप एक बैग चूज कर रहे हो दोनों में से, तो फर्स्ट इज चूजिंग अ बैग. दो में से एक बैग चूज करोगे तो 1/2. अब वो बैग में से जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए बॉल निकलने की, वो व्हाइट होनी चाहिए. तो व्हाइट क्या होगी, 3/5. टोटल 5 बॉल में से 3 की पॉसिबिलिटी है. या सेम केस होगा भाई, अब आपको नहीं पता ना ये बैग है कि ये बैग है. वो कह रहा है कि एक बैग और एक बॉल चूज करिए, प्रोबेबिलिटी ये हो कि वो बॉल व्हाइट कलर की हो. अब ये व्हाइट कलर कैसे आएगा, 4/7. टोटल 7 में से 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं क्योंकि 4 पॉसिबल व्हाइट बॉल्स हैं. खत्म कहानी. अब आपके पास दो इवेंट आ गए, ठीक है, दो इवेंट आपके पास यहां पर आ चुके हैं. अब आपको ये बताना है कि उन दो इवेंट में से आप कैसे निकालोगे सारी चीजें, बेस थ्योरम कैसे लगाओगे. अब देखो यहां पे तो आपको पहले बोल दिया कि उसने ये वाले बैग है कि वाली बैग है, लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम ले लें तो वो बोले कि घटना घट चुकी है. आपको ये बताना है कि वो कॉज क्या है उसके घटना घटने का. यानी अगर मैं बोलूं कि भाई ये बताओ, ठीक है, आपने एक बैग एक बॉल चूज की, ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉल जो है बी बैग से आई है. अब यहां पे दिक्कत हो रही है कि आपको ये नहीं पता है कि वो बैग की कॉज क्या है. तो यहां पर अभी तक आप जो कर रहे थे, सपोज करिए अभी तक जो आप कर रहे थे, ठीक है भाई, आपने जो इवेंट लिया, सपोज करो ये PE1 था, ठीक है, आपने जो लिया ये PE1 है. ओके, PE1 आपका क्या था, 1/2. और आपने यहां पर किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, वाइड बॉल होने की, किससे, ए बैग से. तो A/E1 ये आपकी किसके बराबर होगी, 3/5, यही होगा ना भाई, हम इसे जनरलाइज टर्म में लिख रहे हैं. अब अगर वो दूसरे इवेंट की बात करें तो दूसरा इवेंट भी बैग ही चूज करना है. ओके, सेम है, बस फर्क ये है कि अब उसे हम दूसरे बैग से चूज करेंगे. सिंपल कहानी यहां पे, ठीक है, यानी हम इसे चूज करेंगे दूसरे बैग से. अब यहां पे क्या हो जाएगा, A/E2.
इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक, यहां पे हमने एक ए इवेंट ले लिया कि वो इवेंट आपका क्या है, वाइट बॉल है भाई, ए इवेंट आपने लिया वाइट बॉल है, तो ये ए इवेंट आपका बैग ए में से भी निकलेगा और बैग बी में से भी निकलेगा, बस फर्क ये है कि इवेंट दोनों के अलग अलग होंगे पॉसिबल केस। तो ये आपका आया 4/7। अब हमें क्या बताना है, जब हमसे वो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि वो बैग बी में से हो, ठीक, बैग बी में से हो, तो बैग बी का इवेंट आपका कौन है, ये वाला है ना। अब ये कह रहा है कि वो घटना घट चुकी है, यानी इसका मतलब जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा करेंगे तो आपका पी ऑफ E2/A लोगे, इवेंट वाइट ही होना है, वो जो वाइट बॉल है वो कह रहा है कि ये बताइए कि वो प्रोबेबिलिटी बताइए जो वो वाइट बॉल है वो बैग टू से निकली यानी बैग बी से निकली, तो आपको उल्टा करना है यहां पे पी ए ऑफ, यानी आपको ये नहीं बताना है कि आपने वाइट बॉल निकाली, आपको ये बताना है कि वाइट बॉल निकाली तो बैग बी से निकली और बैग बी आपका इवेंट टू है। ओके, तो अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, इसका फॉर्मूला है कि पी ऑफ इवेंट टू मल्टीप्लाइज बाय पी ऑफ ए डिवाइडेड बाय इवेंट टू, और यहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक, तो ये आप लगा सकते हो। ओके, ये आपकी क्या है, बेस थ्योरम है और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे बताया है। ये ध्यान रखिए कि ये जस्ट उलट होता है उसका, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं अपने इस सवाल को और ये सवाल आपका कैसे हो रहा है, ये चीज समझना है। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, द चांसेस ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज इन 3 बॉक्सेस ए बी सी 1/6 डिफेक्टिव 1/6 सॉरी 1/5 1/6 और सी का 1/7। चलिए तो यहां पर समझिए अब आप कैसे करोगे। देखो कह रहा है द चांसेस डिफेक्टिव है, ठीक है, डिफेक्ट, अ बॉक्स सेलेक्ट किया जाएगा रैंडम, स्क्रू ड्रॉन इट फ्रॉम रैंडम, इट इज फाउंड दैट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव जरूर होना चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो ए बॉक्स आए, ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास 1, 2, 3 है, ठीक है, 3 बॉक्स है, तो आप खुद सोचो अगर एक बॉक्स चूज करोगे 3 में से तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ इवेंट E1 हो या पी ऑफ इवेंट E2 हो या पी ऑफ इवेंट E3 हो, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। क्यों? क्योंकि या तो आप फर्स्ट बॉक्स या सेकंड या थर्ड, ये बात समझे। अब वो कह रहा है कि यहां पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कंडीशनल, यहां पे समझिए, यहां पे बेस थ्योरम लगेगी क्योंकि वो कॉज पूछ रहा है, वो पहले ही बोल रहा है कि वो बॉक्स ए से आना चाहिए, ठीक है भाई, यानी हमें बताना है पी ऑफ आपका जो है, ठीक। तो यहां पर आप कैसे बताओगे प्रोबेबिलिटी, भाई आप खुद सोचो, पी ऑफ इवेंट E1 इंटू पी ऑफ ए अपॉन इवेंट E1, ठीक है, ये चीज समझो, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, यहां पे समझो भाई, अगर आपने फर्स्ट बॉक्स चूज किया, ठीक है, या तो आप ये बॉक्स चूज करोगे तो 1/3, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वो डिफेक्टिव है, ठीक, या 1/3 चूज करोगे, फिर आप एक बॉक्स चूज करोगे, ये वाली प्रोबेबिलिटी, फिर या तो ये वाली चूज करोगे। अब ये यहां पर क्या हो रहा है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और आपको पता है इवेंट अकर किया है फर्स्ट वाला, वो कितना है दे रहा है 1/3 इवेंट, आपने फर्स्ट इवेंट की बात की ना, फर्स्ट इवेंट में ही बॉक्स ए चूज हो जाएगा, बॉक्स ए चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, ठीक, और बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी। बस यहां पे आपको सॉल्व करना था इसको और कुछ नहीं। देखो 15, 18 और 21 15, 18 और 21 यानी 1/3 कॉमन है, 5, 6, 30 30 और 7, 210 यानी 210 यानी कितना हो जाएगा 630, यानी अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा फर्स्ट वाला। इसको चेक करिएगा, इजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, चाहे देख लीजिए भाई, यहां पे कह रहा है ए बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ स्क्रू ड्रॉन फ्रॉम इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, पहले ही बोल चुका है कि वो इवेंट में वो डिफेक्टिव होगा, तो डिफेक्टिव की हमारी प्रोबेबिलिटीज क्या हुई है, दी हुई है। हमें बस बताना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमें ये कंपेयर करना है, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, एक बॉक्स चूज करोगे या तो ये वाला या सेकेंड वाला या थर्ड वाला या फर्स्ट वाला, ठीक है, अब फर्स्ट वाला चूज किया तो बॉक्स ए आ सकता है या बॉक्स बी आ सकता है या बॉक्स सी आ सकता है, ठीक, लेकिन कंडीशन उसने ऑलरेडी बोल दी है बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग
वो बॉक्स ए से ही आना चाहिए। अब बॉक्स ए से ही आना चाहिए यानी हमें क्या चाहिए, इवेंट अकर हो चुका है और वो किसका अकर हुआ है, ए बॉक्स का अकर हुआ है, ठीक है। यानी आप यहां पर लगाओगे पी ऑफ इवेंट ए वन ई वन और पी ऑफ ई वन सॉरी ए अपॉन ई वन, सिंपल कहानी आपका आ जाएगा भाई। आपको पता है एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1/3 और वो ए बॉक्स से हो तो 1/5, सॉल्व कर डालिए आपका आंसर आ जाएगा। डिड यू गेट दैट, सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर यही आएगा 42/107। ऑलराइट, चलिए अब हम मूव करते हैं आगे। सवाल है ठीक, अब ये कैसे करोगे, यहां पे समझो। इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स, इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस 40%। तो अगर करेक्टली सेटअप है तो वो 90% एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक करेक्ट है यानी हम बोल सकते हैं तो 90% और रॉन्ग है तो 40%। पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि 80% सेटअप इज करेक्टली डन हुआ है। इफ आफ्टर अ सर्टेन सेटअप द मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, ठीक है भाई मशीन 2 एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस कर रही है, तो हम क्या करते हैं इवेंट ए मान लेते हैं, ए जो है इवेंट है जिसमें मशीन एक्सेप्टेबल आइटम्स भेज रही है क्योंकि ये इवेंट हो चुका है, ठीक है भाई। अच्छा जो इसमें से B1 होगा, B1 करेगा करेक्ट सेटअप, ओके अभी इसको पूरी तरीके से दिखाऊंगा, और B2 करेगा आपका इनकरेक्ट सेटअप, ठीक है भाई। अब यहां पे बेस थ्योरम आपकी कैसे लगेगी, वो कह रहा है कि अगर A घट चुका है B1 पे, या तो भाई A इवेंट तो अकर होगा, एक्सेप्टेबल तो मिलेगी, अब करेक्टली पे मिलेगी कि रॉन्ग पे मिलेगी यह हमें देखना है। तो यहां पर समझिए, अगर आपका प्रोड्यूस भाई यहां पे क्या कह रहा है कि इवेंट जो है इनकरेक्ट सेटअप है, B2 वाला और B1 वाला इन करेक्ट सेटअप है, करेक्ट सेटअप में भी एक्सेप्टेबल मिलेगा और इनकरेक्ट सेटअप में भी एक्सेप्टेबल है, बस परसेंटेज ऑफ एक्सेप्टेबल कम हो जाएगा इनकरेक्ट सेटअप पे। तो अगर हम या तो भाई करेक्ट सेटअप पे होगा, करेक्ट सेटअप क्या है B1 यानी 0.9 यानी 90%, अब एक नहीं दो आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक अगर 90% है तो दूसरा भी 90% होगा, ठीक है। सिमिलरली अब ये इवेंट जो है यानी मशीन जो एक्सेप्ट करेगी, जो आप आइटम्स एक्सेप्ट करेंगे वो हो सकता है इनकरेक्ट सेटअप पे हो तो आपको 40% मिलेगा, ठीक यानी आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी हाजिर हो गई। अब यहां पर क्या करोगे भाई, या तो इन दोनों में से कोई एक सेटअप चूज करोगे, ये सीधी सी बात है ना। यहां पे कह रहा है पास्ट एक्सपीरियंस शो करता है कि 80% सेटअप करेक्ट है, ऑलराइट। तो यहां पे क्या होगा, अब आप यहां पर जो इवेंट अकर कर रहे हो वो कौन सा इवेंट है, वो कह रहा है कि सेटअप करेक्ट है, तो करेक्ट का मतलब है B1 किसका इवेंट, एक्सेप्टेबल इवेंट, बस लगा दो। अब यहां पे आपको पता है कि जो आपका एक्सेप्टेबल इवेंट होगा B1 वो 80% होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। अगर हम B1 इवेंट की बात करें तो करेक्ट सेटअप है तो वो 80% देगा, ठीक है बोल रहा है 80% करेक्टली डन है, तो B2 जो हो सकता है वो क्या निकल कर आएगा, 20% निकल कर आएगा, ठीक। तो अब आपको निकालना क्या है, B1 यानी करेक्ट सेटअप पर आपको एक्सेप्टेबल मशीन के जो पार्ट्स हैं वो मिलने चाहिए, यानी आपका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहां पे देखो पी ऑफ B1 करेक्ट सेटअप और आपका इवेंट अकर होगा एक्सेप्टेबल आइटम्स पर करेक्ट सेटअप पर, ठीक है और टोटल प्रोबेबिलिटी, बस सॉल्व कर डालिए आंसर आ गया आपका, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे देखते जाइए। अब देखो यहां पे क्या होगा भाई, B1 आप देख चुके हो ऑलरेडी कितना है 80%, ठीक है मैं अब जगह खाली कर देता हूं यहां पे तब आपको समझ में आएगा। देखो लिख के समझाना पड़ता है इतना, अगर नहीं समझाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। अब यहां पर हम वैल्यू देखते हैं, देखो B1 अकर किया 80%, ओके और यहां पे दो इवेंट अकर हुए 90% और 90% के डिवाइडेड बाय। अब देखो यहां पे भाई अगर 80% सेटअप सही है ठीक तो आपके 90% का स्क्वायर निकलेगा, अगर 20% खराब है ठीक है तो आपका 40% का सेटअप आएगा, सीधी सी बात है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर 0.95 आएगा, यानी ऑप्शन सी होगा सही। सो सॉल्व करिएगा आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखिए आपके एनडीए के एग्जाम में पूछा जाने वाला
सवाल है। अगला सवाल, अब यहां पे देखो, सिक्स टेक्स्ट बुक्स नंबर्ड 1 to 6, एक से लेके 6 तक के नंबर्ड है, आर अरेंज्ड एट रैंडम, रैंडम अरेंज होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टेक्स्ट बुक 2 and 3 विल ऑक्यूपाई कॉन्सिक्यूटिव प्लेसेस। अब एक बात समझो, कॉन्सिक्यूटिव प्लेसेस का मतलब पता है क्या, एक के बाद दूसरा होना चाहिए, यानी अगर ए है तो बी होना चाहिए। एक चीज तो है कि ये दोनों होंगे क्या टुगेदर, तो अगर ये दोनों टुगेदर हुए तो बचे कितने 4। अब इवेंट आपने बता दिया कि वो टुगेदर होगा, लेकिन ओवरऑल आपकी पॉसिबिलिटी क्या निकलेगी, 6 नंबर्ड बुक्स हैं, हो सकता है फैक्टोरियल 6 से आए, अरेंज ये इसी तरीके से होंगे ना पॉसिबल केसेस। भाई टोटल 6 नंबर्ड बुक्स को हम अरेंज कैसे करेंगे, अरेंजमेंट ही तो है, कैसे करेंगे फैक्टोरियल 6 के जरिए। और यहां पर आपका क्या हो रहा है कि वो दो बुक्स एक साथ आएगी, तो दो बुक्स एक साथ हो गई तो बाकी 4 बची, तो 4+1 को हम क्या मान लेंगे 5, तो फैक्टोरियल 5 आपका यहां से अरेंज हुआ, प्लस वो दो बुक्स भी आपस में शफल होंगी। तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, आप देख सकते हैं 2/6 यानी 1/3। बहुत ही आसान सवाल था, और देखिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, एनडीए 2007 सेकंड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपके सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं। अगला, 3 लेटर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 26 कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट करना है 3, टोटल है 26। अब देखो यहां पे सैंपल स्पेस तो सीधा सीधा आ गया 26C3। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ए विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द चॉइस, ए को हटा दो तो बचे 25, अब 25 में से 30 आएंगे, सॉल्व कर डालिए आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 25 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल 3 और सॉरी 22 ओके फैक्टोरियल 23। यानी आप यहां पे क्या करोगे 3 का किस्सा खत्म। अब यहां से आपने 26 निकाला तो ये 25 गया 1/, अब यहां पे कितना आ जाएगा भाई जरा गौर से देखो 1/, यानी 23/26 आएगा ओके 23/26, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है, ठीक है ये बात ध्यान रखिए। अगला देखिए, ये सब सवाल इजी है इसलिए मैं इसको इस तरीके से करा रहा हूं, ठीक। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ए कैन हिट द टारगेट 4 out of 5, ए टारगेट हिट करता है 4/5, तो हिट नहीं करता है नॉट हिट 1/5, बी हिट करता है टारगेट आपका, बी हिट करता है टारगेट आपका किसमें 3/4, तो नहीं हिट करता है आपका 1/4 में, सी हिट करता है टारगेट 2/3 में, तो सी नहीं हिट करता है 1/3 में। अब यहां पे समझो क्या कह रहा है, ऑल 3 फायर्स आर शॉट एट ईच ओके, एक बार शॉट किए जाते हैं, ऑल 3 फायर शॉट ईच, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 शॉट्स आर एट लीस्ट हिट। अब एक बार समझो, 2 शॉट कम से कम होने चाहिए, यानी 2-3 ये दोनों हो सकते हैं, तो कौन से नहीं होंगे, 1 वाला 0 वाला नहीं होगा, अगर 1 माइनस हम 1 और 0 को घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। चलो अब हम देखते हैं, हम यहां पर लेकर चलते हैं कि सभी के सपोज करिए कि मान लो एक का भी हिट नहीं लगा, नॉट हिट एनी वन, तो किसी का हिट नहीं लगेगा, मान लीजिए नॉट हिट एनी वन, तो क्या होगा भाई 1/5 1/4 1/3, ये कितना हो जाएगा भाई 1/60, ठीक है 1/60 हो जाएगा आपका। अब यहां पे एक का अगर लगेगा तो, एक का लगेगा तो मतलब समझो यहां पे एक का लगेगा तो हो सकता है पहले का लगे बाकी दोनों का ना लगे, हो सकता है दूसरे का लगे बाकी दोनों का ना लगे, हो सकता है तीसरे का लगे पहले दोनों का ना लगे, तो इसका मतलब है एक एक करके सबका लगेगा और डिनोमिनेटर क्वांटिटी सबकी सेम होगी, या तो एक बार होगा 4/60 एक बार होगा 3/60 एक बार होगा 2/60, तो कितना हो जाएगा 9/60 चलो ऐसे ही रखते हैं 9/60 रखते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे भी 60 है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें से 1 - 0 और 1 को घटा देना है, बस हमारा काम बन जाएगा। देखिए हम इजी वे में करेंगे इसे, भाई आपने क्या किया 1 हिट वाले को भी हटा दिया और 0 हिट वाले को भी हटा दिया, तो बचा कौन 2 और 3 हिट वाला बचा, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है 1 के बराबर, तो 1 माइनस, देखो अब इनको जोड़ो 9/60 और
एक बटा साठ, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए भाई, अगर एक का लगा तो 9 बटा साठ, जीरो लगा तो 1 बटा साठ, 1 माइनस 10 बटा साठ, यानी ये हो जाएगा 5 बटा 6। देखा किस तरीके से सवाल हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए आप। अब हम बात करते हैं कार्ड्स की, पत्ते तो खेले होंगे सभी ने, चलो पत्तों के बारे में बात करते हैं। चार टाइप्स के कार्ड आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड। हार्ट और डायमंड आपके दोनों रेड कलर के होते हैं, और क्लब और स्पेड आपके दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। आप देख सकते हैं हार्ट और डायमंड और क्लब और स्पेड, ठीक है, सबके 13-13 पत्ते होते हैं, तो कुल कार्ड आपके 52 हो गए। एक टाइप के कार्ड की अगर मैं बात करूं तो एस होता है, और 2 से 10 तक के नंबर्स होते हैं, जैक, क्वीन, किंग। अब इसमें जो ऑनर्स कार्ड होते हैं जिनके आने से गेम चेंज हो जाता है, वो होते हैं एस, जैक, क्वीन, किंग, क्योंकि ये बड़े पत्ते माने जाते हैं। तो ऑनर्स कार्ड आपके हो गए, एक टाइप के कार्ड में चार कार्ड मिलेंगे, तो चारों के में 16 कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से हुए, फेस कार्ड वो होते हैं जिनपे चेहरा बना होता है, जैसे आपके किंग, क्वीन, जैक, तो एक टाइप में 3, तो चार टाइप में 12, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो पहला सवाल आपका इजी इजी सवाल है, अब यहां से हम कर ले जाएंगे। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए ऑर्डिनरी पैक एंड गैम्बलर बेट्स दैट इट इज आइदर अ स्पेड और एन एस। बहुत ध्यान से समझो, एक 52 पत्तों में से आपने निकाला, ठीक है, 52 पत्तों में से आपने एक कार्ड निकाला, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक एंड गैम्बल बेट्स दैट आइदर अ स्पेड और एन एस। अब स्पेड कितने हैं, 13, उस 13 में ऑलरेडी एक एस है, तो जो बचे हुए एस हैं वो कितने हैं, 3, तो कुल पॉसिबिलिटी हो गई 16, 4/13, यानी आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 13 में से 4 है, तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी 4 है, तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी 9 होगी। आपसे पूछ रहा है द ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग, यानी 9:4, गेट इट। चलो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ किंग एंड अ क्वीन, देखो एंड का साइन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, वेन द टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब यहां पे समझो, दो कार्ड निकाल रहे हो, एक किंग होगा एक क्वीन, किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितनी होती है 4, तो एक 4 में से ये आया और एक 4 में से ये आया, कुल 52 में से कितने आए, 2, खत्म कहानी, यानी आपके 4 डिवाइडेड बाय 26×51। अब देखो 2 13, यानी 8/13 जो टफ वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पहले करा दिए हैं, ये बात ध्यान रखिए, इसलिए उसको मैं बहुत धीरे समझा रहा था। अगला चलिए भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। देखो यहां पे कह रहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टू कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है भाई, एक के बाद एक रिप्लेसमेंट के बगैर, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एसेस। देखो 4 एसेस होते हैं, ठीक है, आपने एक कार्ड निकाला 52 में से, देखो दो कार्ड निकालने बट 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट है, ध्यान रखिएगा, तो जब आप एक निकाल लेंगे तो एक कम हो जाएगा, यानी 4 आपके टोटल कितने पत्तों में से निकाल रहे हैं आप, एक पत्ता जो निकाल रहे हैं वो किस टाइप का होगा भाई, देखो पहले तो आप ओवरऑल प्रोबेबिलिटी होगी कि 52 पत्तों में से आप उस पत्ते को चूज कर रहे हैं जो 4 पॉसिबल केस बनाए, चारों एसेस में से कोई भी आ सकता है, फिर उसके बाद एंड सेकेंड निकलेगा। अब यहां पर 52 नहीं 51 पत्ते रह गए और आपके पास 4 एस नहीं 3 एस हो गए, ठीक, तो ये 3 17 4 13, यानी आप जोड़ लिए 17 5 22 1/221, कितना आसान सवाल, ठीक है। अगला ये बैग के ऊपर है, देखिए बैग्स, बॉल्स, मार्बल्स, ये सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स टू व्हाइट,
टू व्हाइट थ्री ब्लैक अनदर बैग कंटेन्स, यानी हम बी वन बोल देते हैं, अनदर बैग कंटेन्स फोर व्हाइट टू ब्लैक वन बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम. अभी देखो अभी कराया था टोटल प्रोबेबिलिटी याद है ना, एक बैग सेलेक्ट करना है तो एक बैग सेलेक्ट करो वन बाय टू. अब ये दोनों में कॉमन होगी भाई, दोनों में से कोई एक बैग होगा या तो बी वन या बी टू. अगर बी वन सेलेक्ट किया तो वो पूछा एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, एक बॉल भी निकाली जाएगी, देन प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट, वो प्रोबेबिलिटी बताइए कि बॉल व्हाइट हो. तो या तो 2 बाई 5 प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई, इसमें से अगर व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है 2 बाई 5, या और का साइन क्या होता है प्लस 4 बाई 6, यानी ये हो जाएगा 1 बाई 2 2 बाई 5 प्लस 2 बाई 3, यानी 2 2 गया तो ये आपका 8 बाई 15 इज द करेक्ट आंसर. अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. चलिए अगले सवाल को देखते हैं. वन बैग कंटेन्स फाइव व्हाइट एंड थ्री ब्लैक बॉल्स एंड अ सेकेंड बैग कंटेन्स टू व्हाइट एंड फोर ब्लैक बॉल्स. बैग वन क्या कह रहा है, पांच व्हाइट है और तीन ब्लैक है. बैग टू क्या कह रहा है, दो व्हाइट है और पांच चार ब्लैक है. वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड प्लेस्ड अनसीन इन द सेकेंड, उसे देखे बगैर एक बॉल यहां से निकाली गई और उठा के यहां दूसरे बैग में डाल दी गई, और प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल जो थी वो सेकेंड ब्लैक में ब्लैक निकलेगी, ठीक है, जब आपने निकालेंगे उसमें से. तो अब यहां पे समझो, या तो आप व्हाइट बॉल इसमें डाल रहे हो या आप ब्लैक बॉल इसमें डाल रहे हो, तो व्हाइट होगी तो देखेंगे, ब्लैक होगी तो देखेंगे. अब सपोज करो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बैग वन से 5/8, आपने जब इसमें डाली तो व्हाइट बॉल बढ़ गई, टोटल बॉल 7 हो गई, पर आपकी केस होता है कि वो ब्लैक ही होनी चाहिए, तो ब्लैक होगी तो 4/7 क्योंकि बॉल्स नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ गई. या दूसरी आपने ब्लैक बॉल उठाई, ब्लैक बॉल उठा के डाल दी, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बैग वन से 3/8 है, एंड जब आपने ब्लैक डाली तो ब्लैक एक बढ़ गई और ब्लैक अब 5 हो गई और 5 टोटल 7 पर, तो 5/7 यानी 20 और 15 मिलके कितना 37, 20 और 15 मिलके कितना हो गया भाई 35/56, दैट्स अ करेक्ट आंसर. ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आई होगी इस क्वेश्चन को. ये गाइस आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूं, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है. इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट में डालकर दे देंगे. टिल देन मैं यहीं तक रखता हूं, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए. एक तरीके का आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है एनडीए 2021 को लेकर, इस बार एग्जाम क्लियर करना है ये लिख कर ले लो, ठीक है. सब्सक्राइब कर लो, क्विज के लिए ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, और इन सभी का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, जाकर पढ़ाई कीजिए, और कुछ भी बाकी नहीं है. CDS एस्पिरेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर हमसे लिखकर बोले CDS टेस्ट, ओके, CDS_test, और मैसेज करें, वी विल डेफिनेटली बी एबल टू प्रोवाइड यू दैट टेस्ट सीरीज सून. हम अपने फाइनल स्टेज में है टेस्ट सीरीज लॉन्च करने के, सून NDA 2021 की भी टेस्ट सीरीज आएगी. सो कीप स्टडिंग एट दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग, बी सेफ, जय हिंद.